चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त की हमें मिल रही है, उज्जैन से है, सीएमओ कुलदीप तीनसुख के घर लोकायुक्त ने छापा मार कार्रवाई की है। बड़नगर, माकड़ोन और उज्जैन के घरों पर छापा मारा गया है। करोड़ों की काली कमाई का मालिक कुलदीप तीनसुख, जिनके घर पर छापा मारा गया है, 4 लाख नकदी, जेवरात, 21 बीघा जमीन के दस्तावेज इस दौरान लोकायुक्त की टीम ने बरामद किए हैं। 12 साल में करोड़ों का मालिक कुलदीप तीनसुख बन गया, ये बताया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो सीएमओ है कुलदीप तीनसुख, जिनके घर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला, लगातार शिकायतें मिल रही थी, 12 साल की नौकरी में आय से अधिक संपत्ति हासिल की। और आपको बता दें कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति जिसका मालिक सीएमओ बनकर बैठा था, और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रमोद व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या ज्यादा जानकारी और क्या अभी भी छापेमारी जारी है? अभी उज्जैन से लेकर बड़नगर, माकड़ोन और तराना में इनके जितने भी ठिकाने हैं, सभी जो लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई चल रही है, और प्रारंभिक जांच में कृषि भूमि और 80 लाख रुपए का बंगला और कई 4 पहिया वाहन, सोने चांदी के आभूषण, नकदी सहित करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी हाल फिलहाल सामने आई है। प्रमोद, कार्रवाई अभी भी जारी है, कब तक चलेगी, क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है अभी? अभी सीएमओ कुलदीप तीनसुख ने अब तक जो कमाई की है वेतन से, वो 15 वर्ष की नौकरी में 20 लाख रुपए की आय बनती है, लेकिन इनके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसकी वजह से जो करोड़ों की संपत्ति इन्होंने कमाई है उसकी वजह से अभी लंबी देर तक यह जांच चल सकती है। अच्छा प्रमोद, जिन 3 जगहों की बात की जा रही है, क्या वहाँ 3 जगह पर एक साथ छापामार किया गया है, और उसके साथ कितने बजे सुबह ये कार्रवाई शुरू हुई है? आज सुबह मंगलवार को सुबह 6 बजे लोकायुक्त उज्जैन पुलिस 3 ठिकानों पर एक साथ पहुंची, जिसमें बड़नगर, माकड़ोन, तराना में यह कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ये उज्जैन की बात की जाए तो क्या यहाँ पर इनका निवास है उज्जैन में, और 2 जो जगह बताई गई है, बड़नगर उसके साथ ही माकड़ोन, क्या फैमिली उनकी यहाँ पर रहती है? फैमिली उनकी उज्जैन में रहती है, सिवान सिटी में, वहाँ पर भी अभी लोकायुक्त की टीम पहुंची है, और नौकरी इनकी बड़नगर में थी। परिचितों के नाम पर भी इन्होंने कहीं तराना में, कहीं माकड़ोन में संपत्तियां खरीद कर रखी है। अभी अभी तक की संपत्ति, अभी तक की जांच में क्या कुछ निकल कर आया है, कितना खुलासा हुआ है संपत्ति का? अभी इनके यहाँ पर 30 से 50 लाख रुपए के बीच में कैश मिला है। हाँ। बाकी संपत्तियों की जानकारी खंगाली जा रही है, बैंकों में भी, जो बैंक सुबह अभी खुलेगी कुछ देर बाद, तो वहाँ पर भी आवेदन दिए जाकर इनके खातों की जानकारी ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक आय से अधिक संपत्ति के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और बड़े पद पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत कार्रवाई की जा रही है, लगातार आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी सीएमओ के खिलाफ, जिसके बाद अब ये जांच की जा रही है। बड़नगर, उज्जैन और इसके साथ ही माकड़ों ने 3 जगह एक साथ लोकायुक्त की टीम ने सुबह 6 बजे छापामार कार्रवाई की, और ये कार्रवाई अभी भी जारी है।